वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वलों इस महीने दा संदेश आषाढ़ एक ओंकार साते गुर प्रसाद आषाढ़ तपंदा ते सो लगा हरे ना हो ना जिन्ना पासे जग जीवन पुरखो ते आगे का मानस संधि आस दुज्जै पाए वे गुच्चिया गाले पैसो जम की फास जेहा बीजै सो लोणै मत्था जो लिखे आसु रैने विहानी पशुतानी उठे चली गई निरास जिन को साधु पेटिया सो दरगहे होए खलासु कार केर पा प्रभ आपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तो दुबेनु दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा ते सुलगा जैसु माने हारे चरण निवास प्रभ तो दुवेनु दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा ते सुलगा जैसु माने हारे चरण निवास। अर्थ हाड़ दा महीना उस जीव नू तपदा प्रतीत हुंदा है। ओ बंदे हाड़ दे महीने वांग तपदे कल्पदे रहंदे हन जिन्हां दे हिरदे विच प्रभु पति नहीं वसदा। जेड़े जगत दे सहारे परमात्मा दा आसरा छड़ के बंदियां दियां आसा बनाई रखदे हन। प्रभु तो बिना किसे होर दे आसरे रहा खुआर ही होईदा है। जो भी कोई होर सहारा तकदा है उस दे गल विच जम दी फाही पैंदी है। उस दा जीवन सदा सहम विच बीतदा है। कुदरत दा निजम ही ऐसा है कि मनुख जेहा बीज बीजदा है कीते कर्मा अनुसार जेड़ा लेख उस दे मत्थे उत्ते लिखिया जांदा है ओहो जेहा फल ओ प्राप्त करदा है। जग जीवन पुरख नू विसारन वाली जीव इस्त्री दी सारी जिंदगी पछुतावयां विच ही गुजरदी है। ओह जगत तो टुटे होए दिल नाल ही तुर पैंदी है। जिन्हां बंदियां नू गुरु मिल पैंदा है ओह परमात्मा दी हजूरी विच सुरखरू हुंदे हन आदर मान पांदे हन। हे प्रभु तेरे अगे नानक दी बेनती है अपनी मेहर कर मेरे मन विच तेरे दर्शन दी तांग बनी रहे क्योंकि हे प्रभु तैथों बिना मेरा कोई होर आसरा परना नहीं है। जिस मनुख दे मन विच प्रभु दे चरणा दा निवास बनिया रहे उसनू तपदा हाड़ भी सुहावना जापदा है। उसनू दुनिया दे दुख कलेश भी दुखी नहीं कर सकदे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।